तमिलनाडु और खासकर चेन्नई में शुक्रवार को बारिश थमने के से बाद बाढ़ प्रभावितों को थोड़ी राहत मिली है। इस दौरान सेना और एनडीआरएफ ने तेजी से राहत अभियान चलाकर लाखों लोगों को मदद पहुंचाई। लोग जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकले, हालांकि लाखों लोग अभी बाढ़ से घिरे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है, यानी मुश्किलें जल्द ही कम नहीं होने वाली है। राज्य में बाढ़ से कहर से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 1 जनवरी से आप रोज अपनी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। हर गाड़ी का नंबर एक दिन छोड़कर आएगा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली की सड़कों पर एक दिन सम संख्या और दूसरे दिन विषम संख्या नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलेंगी। यानी अब दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबरों वाले निजी वाहनों पर भी लागू होगा। इमरजेंसी सेवाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। आप सरकार के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस ने अव्यवहारिक राय जताई है और इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए नौटंकी करार दिया है। यह नियम दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबरों वाले निजी वाहनों पर भी लागू होगा। इमरजेंसी सेवाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। आप सरकार के फैसले को बीजेपी और कांग्रेस ने अव्यवहारिक बताया है और इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए नौटंकी करार दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 33 फाइलें नेशनल आर्काइव्स को सौंप दी है। आर्काइव्स इन्हें अगले साल 23 जनवरी से पब्लिक करना शुरू करेगा। नेताजी के फैमिली मेंबर्स ने इसी साल 14 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर फाइलों को पब्लिक करने की मांग की थी। इसके बाद मोदी ने ट्वीट कर 23 जनवरी से फाइलों को पब्लिक करने का ऐलान किया था। 23 जनवरी को ही नेताजी का जन्मदिन भी है। जीएसटी पर बनी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की कमेटी यानी सीईए कमेटी ने वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीईटी कमेटी ने 100 पन्नों वाली रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि जीएसटी पर पूरी रिपोर्ट सोमवार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि जीएसटी देश के लिए अहम है और इससे मेक इन इंडिया को फायदा होगा। जीएसटी से टैक्स विभागों को मजबूती मिलेगी। जीएसटी के लिए 17 से 18 फीसदी रेट का प्रस्ताव रखा गया है। पटना के बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो बिहार के अस्पतालों में सड़े सिस्टम की वानगी भी पेश कर रहा है। तस्वीर बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल की है। पटना के बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में जमीन पर पोस्टमार्टम का काम हो रहा है। जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है वहां से थोड़ी ही दूर पर मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में पोस्टमार्टम को देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती है। नियम के मुताबिक भी पोस्टमार्टम का काम सीएफएल लाइट में और बंद कमरे में होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि सारे नियम कानून डॉक्टर साहब भी जानते हैं, लेकिन वो एसडीओ के आदेश का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नियम के मुताबिक भी पोस्टमार्टम का काम सीएफएल लाइट में और बंद कमरे में होना चाहिए। हैरानी इस बात की है कि ये सारे नियम कानून डॉक्टर भी जानते हैं, लेकिन वो एसडीओ का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सर ये क्या नियम है सर पोस्टमार्टम का? पोस्टमार्टम का नियम एसडीओ का ऑर्डर है करने के लिए। तो ये खुलेआम जो है जमीन पर लिटा करके और जहाँ हुआ है इसको बाद में लेते हैं आप लोग फोटो। तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि ये क्या अस्पताल मैनुअल के अनुसार से नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके द्वारा ये सब जो अंजाम दिया जा रहा है लेकिन मेन बात है कि सर यहाँ मरीज भी भरते हैं उन पर तो आपके अनुसार ये सब सही है सर? सही नहीं है, रात में होना नहीं चाहिए, रात में फ्लैश लाइट होना चाहिए, सीएफएल लाइट। तो इससे प्रभाव भी तो पड़ेगा इसके पोस्टमार्टम पर भी? पोस्टमार्टम पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नियम फ्लैश लाइट में होना चाहिए, सीएफएल लाइट। जहाँ पर मुख्य कार्यालय है सर उसके एकदम द्वार पर ये पोस्टमार्टम हो रहा है? नहीं 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 होना चाहिए। पोस्टमार्टम हो कहाँ रहा है? अभी मुआयना चल रहा था, पोस्टमार्टम हाउस में नहीं जाएगा। ये
आए हैं तो हम देखे 5:30 बजे से आए हुए, हम अभी आए ड्यूटी में तो देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, हम भी तो खुदे देख रहे हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में नंबर वन स्थान दिया है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से साल 2015 में बिहार की विकास दर सभी राज्यों से ज्यादा 17.6% रही है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश का स्थान है और गोवा तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज विकास दर के कारण बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP 77,781 करोड़ से बढ़कर 4,02,000 करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार आगे भी बेहतर काम करेगी ताकि परिणाम अच्छे आए। नीति आयोग के साइट पर ही ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, तो मुझे खुशी है। और ये हम लोग जो लगातार कहते रहे हैं कि बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, और जो हमारे विरोधी थे वो आरोप लगाते थे कि प्रगति धीमी पड़ गई है, हम लोगों ने विकसित बिहार के 7 निश्चय किए हैं, उस पर अमल करेंगे। मैं इसके लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं, और विकास का ये दर कायम रहे, बढ़े, और विकास का लाभ समाज के हर तबके तक मिले, क्योंकि हमारा रास्ता न्याय के साथ विकास का है, समावेशी विकास का है, तो सबको इसका लाभ मिले, यही हम लोगों की परिकल्पना है। लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी इसे अपने विपक्षी चश्मे से ही देख रहे हैं। काल में जो काम की गति बनी थी उस काम की गति में धीमा हुआ है। अब देखना है सरकार, नई सरकार बनने के बाद काम की प्रगति कैसे होती है, उसके बाद टिप्पणी करूंगा। मैंने काम ने देखा नहीं है, लेकिन नई सरकार के कामकाज को देखने के बाद ही मैं टिप्पणी करूंगा। नीति आयोग की रिपोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आंकड़ों की बाजीगरी बताया। माहिर, हम ग्राउंड रियलिटी चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, क्या किसी का स्टैंडर्ड बढ़ा है, क्या शिक्षा में, क्या उद्योग में, क्या इंदिरा आवास में, क्या सड़क में। आज सड़क के बारे में कहा जा रहा था 65,000 किलोमीटर बनाया, आज भी हजारों गाँव ऐसा है जहां सड़कें नहीं है, और खास करके गरीब घर के टोला गरीब टोलों में नहीं है। बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी के सरकार के फैसले को लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि शराबबंदी सिर्फ देसी शराब को लेकर होगी, जबकि अंग्रेजी शराब पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। इन सवालों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अभी इस मसले को लेकर बातचीत चल रही है और वो बिहार की महिलाओं के दर्द को समझ रहे हैं, उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। कंफ्यूजन होगा तो किसी के मन में होगा, सरकार के निश्चय में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और आपको बार बार जो हमने 26 तारीख को इसके अवसर पर 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर जो बातें कही हैं, उसको फिर से फुटेज को दोबारा सुन लीजिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला सराहनीय है और इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने बिहार की जनता से वादा किया है और इसे पूरा भी करना चाहिए। बात है, अभी तक हमारी जानकारी में ये है नहीं, तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हम लोग तो जो वादा, हम लोगों ने जो कमिटमेंट जो किया है पब्लिक को, जो हम लोगों ने वादा किया है, वो तो हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं लागू होने की खबर पर जेडीयू नेता अजय आलोक ने प्रतिक्रिया दी है। अजय आलोक ने कहा है कि सरकार कोई भी निर्णय पारदर्शिता के साथ लेती है और विचार विमर्श के बाद ही नई नीति लागू होगी। एनडीए के सहयोगी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा है कि हार के लिए पीएम मोदी और अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हार के पीछे उनके मंशा में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, वे काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे।
एनडीए में हार पर मचे रार पर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि पीएम और शाह हार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं भाग सकते, और हमेशा से उन लोग जितने भी बीजेपी के लोग थे उनका अगर बयान सुनेंगे उस टाइम में जब हम पूछते थे कि बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, उस समय कहते थे कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जब उनको कैप्टन बनाया गया था टीम का तो हार की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं को होगी। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष ने हम नेता महाचंद्र प्रसाद की विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी है। इस कार्रवाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने गलत बताया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। आरजेडी के बिहार अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने लालू को पार्टी की सदस्यता दिलाई। लालू ने अपने साथ पार्टी में 25 सक्रिय कार्यकर्ता भी जोड़े हैं। संगठनात्मक चुनाव के लिहाज से लालू ने पार्टी की सदस्यता ली है। जनवरी 2016 से पहले राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का चुनाव होना है। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सदन के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि 10 साल में 10.2% विकास दर रहा है। या भेदभाव से कानूनी प्रावधानों एवं वैधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपराध पर नियंत्रण तथा अपराधियों को निष्प्रभावी करने के लिए ठोस व्यवस्था लागू है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। राज्यपाल ने कहा है कि बिहार में गरीबी में 20% की कमी आई है और लोक निवारण अधिनियम को और बेहतर बनाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार कानून का राज स्थापित करेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की शिक्षा नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि साइकिल वितरण योजना से लड़कियों को शिक्षा मिलने में मदद मिली है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतरी की ओर बढ़ने की बात कही। अब 7 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 दिसंबर तक चलने वाले विधानमंडल के वर्तमान सत्र में 6 बैठकें प्रस्तावित हैं। एक बार फिर जी पुरवैया की मुहिम का असर हुआ है। नालंदा के पूजा के ससुराल वालों ने उसे फिर से अपना लिया है। पूजा ने जी पुरवैया को धन्यवाद दिया है। पूजा के पति ने भी ये विश्वास दिलाया है कि अब उससे गलती नहीं होगी। वहीं पूजा की सास ने कहा है कि अगर उसके बेटे को कोई परेशानी नहीं है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार शरीफ के मथुरिया मोहल्ले में रहने वाली पूजा शारीरिक अक्षमता की वजह से अपने ससुराल में लगातार प्रताड़ित हो रही थी। ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पूजा इंसाफ के लिए थाने भी गई लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। थक हार कर पूजा पति के घर के आगे अनशन पर बैठ गई। पूजा की मांग को जी मीडिया ने आवाज दी और एक बार फिर पुरवैया की खबर का असर हुआ। नालंदा की पूजा की मांग को जी मीडिया ने मुहिम की तौर पर चलाया था। इस मामले पर नालंदा विधायक और नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने न्याय दिलाने का वादा किया था। भले ही जांच पड़ताल में सही असत्य और सत्य मिलने पर आगे कार्रवाई होती है लेकिन केस लिया जाएगा और उनको जो विकलांग महिला है उनको न्याय मिलेगा। पटना कलेक्टर परिसर में अफजल इमाम ने मेयर पद की शपथ ली। जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एडीएम सावर भारती ने अफजल इमाम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मेयर अफजल इमाम ने कहा है कि शहर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रूप से जितने प्रस्ताव मैंने जो पारित किए थे और जिन प्रमुख एजेंडों को उठाया था उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है और मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द शहर में काम उसका क्रियान्वयन हो ताकि शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका निजात उससे मिल सके आम लोगों को। खासकर सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता में है वो शहर को किस तरह स्वच्छ और साफ रखा जाए।
दलसिंह सराय थाने के पगरा के पास एनएच 28 पर अचानक एक नैनो कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में सवार शख्स मौका रहते कार से बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। मोतिहारी के दलपत प्राथमिक विद्यालय के परिसर में लगाए गए पाइप बम को डिफ्यूज कर दिया गया। मुजफ्फरपुर से पहुंचे बम निरोधक दस्ते को इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट के मुताबिक बम शक्तिशाली था। आला सदर अस्पताल में रिश्वत को लेकर मारपीट हुई। दरअसल बिलाऊ निवासी अमरजीत इंश्योरेंस पेपर पर अस्पताल उपाधीक्षक से साइन करवाना चाहते थे। इस पर अस्पताल कर्मी ने 4,000 रिश्वत मांगी। पैसे नहीं देने पर अस्पताल कर्मी हिंसक हो गया और युवक की पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के बाद सदर अस्पताल के सभी पदाधिकारी भाग खड़े हुए। मैं बोला 1 रुपया आपको घूस नहीं दूंगा, उसी के चलते मारा है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पोस्ट बिलाउट से। घूस मांगने कारण ये सब हुआ? घूस करने के मारे। अभी जा रहा हूँ मैं मेडिकल कराऊंगा यहीं पे डॉक्टर से। ये सब कट गया मेरा, अभी इसमें केस करूंगा। अभी 4,000 रुपए घूस मांग रहा था हमसे। एक 4,00,000 रुपए का इंश्योरेंस का पेपर है, 4,000 रुपए घूस मांग रहा था, नहीं दिए तुम्हारे। कौन मारा है? यहाँ के DS और DS के गुंडे और सिविल सर्जन सब मिल करके। मधुबनी में एक ईंट भट्टे के मालिक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके लदनिया थाने के पद्मा गांव के पास ईंट भट्टा मालिक नंद कुमार यादव अपना काम खत्म कर घर की तरफ लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हुए अपराधियों ने ईंट भट्टे के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। नेपाल में मधेशियों का आंदोलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल के नवलपुर में सभा कर रहे मधेशियों पर नेपाली पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। फायरिंग में जख्मी 13 लोगों को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। नालंदा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने व्यवसायी अजय कुमार की हत्या में शामिल नक्सली संगठन PLFI के शूटर सोनू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सोनू के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 230 कारतूस भी बरामद किए। गया पुलिस ने कुख्यात बदमाश सिराज उर्फ कारू और मोहम्मद अरमान सोनू और मिसाब को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी राहगीरों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गया पुलिस ने एक वाहन लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए मोहम्मद रियाज को अब गीला मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक इंडिका कार भी बरामद की गई है, जिसे उसने पटना गया मुख्य मार्ग से लेकर वो फरार हुआ था। कटिहार में प्रशिक्षण पर रहे 3 फर्जी प्रशिक्षु सिपाही की पहचान हुई है। 3 फर्जी सिपाही में से एक विकास कुमार को नगर सहायक थाना पुलिस ने पुलिस लाइन केंद्र से गिरफ्तार किया। बाकी 2 प्रशिक्षु सिपाही फरार हो गए। मामले की कार्रवाई सिपाही भर्ती केंद्र के आदेश पर कटिहार पुलिस ने की। सोनपुर प्रखंड के शिकारपुर मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। खरिया डी के ग्रामीणों ने 5 दिन पहले ही ताला जड़ दिया। पढ़ाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों में गुस्सा है। शिकारपुर पंचायत के मुखिया ने सारण जिला अधिकारी को स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षिका पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। इस मसले पर शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पटना के कालिदास संग्रहालय में 3 दिवस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। 3 दिनों के इस फेस्टिवल में कुल 11 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। जन संस्कृति मंच की तरफ से फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस बार का फिल्म महोत्सव प्रोफेसर MM कुलवर्गी, कवि वीरेन डंगवाल, अभिनेता सईद जाफरी, पत्रकार KM किशन, हेमेंद्र नारायण और अरुण सिंह को समर्पित है। पटना के गांधी मैदान में किताबों की दुनिया सज गई है। 10 दिनों तक चलने वाले बुक फेयर की शुरुआत हो गई। पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने पुस्तक मेले की शुरुआत की। बक्सर के ऐतिहासिक पंचकोशी मेला में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस मेले से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ का लिट्टी चोखा काफी मशहूर है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 3रे चरण की आज वोटिंग जारी है। 22 जिलों के 70 ब्लॉक में हो रहे मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तो दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 11,142 ग्राम पंचायतों में मतदान है, जिसके लिए 14,098 मतदान केंद्र बनाए गए। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 44,63,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 15,41,000 पुरुष और 14,35,000 महिला मतदाता शामिल हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बोकारो रेल पुलिस ने 5 लड़कियों को बचाया है। चंद्रपुरा जंक्शन पर झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से जीआरपी ने 5 आदिवासी लड़कियों को उतारा। लड़कियों ने बताया है कि वो अपनी मर्जी से हरिद्वार एक बिस्किट कंपनी में काम करने के लिए जा रही थी। इसकी जानकारी उनके घर वालों को भी थी। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 5 लड़कियां जनरल बोगी का टिकट लेकर हटिया से नई दिल्ली के लिए सवार हुई थी। लड़कियों के मुताबिक वो अपनी मनमर्जी से दिल्ली जा रही थी और इसकी जानकारी उन्होंने अपने घर वालों को भी दी थी। जीआरपी के मुताबिक उन्हें रांची सीआईडी से सूचना मिली थी कि मानव तस्करी के लिए 5 युवतियों को झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से ले जाया जा रहा है। चंद्रपुरा से 5 लड़कियों को बोकारो महिला थाना लाया गया, यहां से पुलिस ने उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए आदिवासी लड़कियों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। जी मीडिया हमेशा आपके हक की आवाज उठाता है। हमने आपको रांची में रेप पीड़ित की खबर को दिखलाया। रेप पीड़ित के बार बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। यहां तक पीड़ित का मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया गया, लेकिन जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और जी मीडिया की खबर का असर भी हुआ है और पुलिस पीड़ित का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए तैयार हो गई। जमशेदपुर के एमसीएम अस्पताल में एक कैदी ने जमकर उत्पात मचाया। साक्षी पुलिस के साथ आए कैदी ने ओपीडी काउंटर पर तोड़फोड़ की। पाकुड़ के संग्रामपुर में डेंगू के डंक से लोग परेशान है। गांव में पिछले 15 दिनों में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू की वजह से। पाकुड़ अस्पताल में डेंगू का किट तक नहीं है, जिसके चलते लोगों ने हंगामा मचाया, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर रहा। धनबाद के निसा थाना इलाके के कपासारा और सुभाष कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क लगभग 100 मीटर धंस गई। देश के सबसे ऊंचे तिरंगे को फहराने की तैयारी रांची में अंतिम चरण में है। जिस पोल पर तिरंगे को लगाया जाएगा उसे पुणे से रांची लाया जा चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आदेश जारी कर कहा है कि चेन्नई में नाव पर ही एटीएम चलाए जाएं, जिससे लोगों तक पैसे पहुंच पाए। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ गांधीगिरी का फॉर्मूला अपना रही है। ट्रैफिक पुलिस नियमों को तोड़ने वाले को गुलाब का फूल भेंट स्वरूप दे रही है। मलाड से शुरू हुई ट्रैफिक पुलिस की ये मुहिम लोगों को काफी पसंद आ रही है।